फुलूरी इस पहाड़ का नाम क्या कहते हैं? दिसम जाहिर। हाँ, दिसम जाहिर कहते हैं इसको, दिसम जाहिर। वेलकम टू घाटशिला कॉलेज। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो आज कॉलेज में इतना गजब का भीड़ है कि क्या ही बताऊं गाइस। और गाइस देख सकते हो इधर भी काफी भीड़ है, जो कि इधर काउंटर वगैरह लगते हैं जो कि हम लोग कागज वगैरह जमा करते हैं। सो बच्चे लोग, अपुन जा रहा है आज कॉलेज, सो कि घाटशिला में है। और देख सकते हो धलवंगड़ का कुछ इस तरह से नजारा, जो कि हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की। और ये हमारे साथ है अपना चाचा। चले गए लेस्ट और आ चुका है यहाँ पर बस भी इंतजार करते करते। तो लेस्ट गए हम लोग जाते हैं, बस में चढ़ते हैं और निकलते हैं सीधा घाटशिला की और जो कि अपना कॉलेज है। तो बच्चे लोग हंसते रहिए, हंसाते रहिए और वीडियो देखिए, इंजॉय करिए। तो लेस्ट गाइस आ चुके हैं हम लोग अभी बस के अंदर। देख सकते हो बच्चे लोग, काफी लोग बैठे हैं बस में। और ये बच्चे लोग देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घाटशिला में, जो कि ये है कॉलेज रोड। और हम लोग जा रहे हैं अभी कॉलेज की, और वहां पर कुछ काम है, कागज वगैरह जमा करना है। सो गाइस, घाटशिला के रास्ते का वीडियो तो मैंने आप लोगों को दिखाया है हर जगह जगह। तो गाइस ज़्यादा हम रास्ता वीडियो आप लोग को नहीं दिखाएंगे, सीधा आप लोग को घाटशिला में दिखाएंगे और कुछ कुछ दिखा देते हैं। तो देख सकते कुछ इस तरह से इधर का नज़ारा कुछ, और ये है वीडियो हाउस। और वहाँ पे मतलब कुछ हॉस्पिटल बन नया बना है, कुछ देख सकते हो अभी से। इतना गजब का भीड़ है कि क्या ही बताओ गाइस। लगता है आज कॉलेज में गजब का भीड़ होने वाला है, होने वाला नहीं है, लगता है हुआ ही है। तो क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और हम चलते हैं सीधा कॉलेज की। वेलकम टू घाटशिला कॉलेज। भाई साहब क्या भीड़ है, गजब का भीड़ है भाई साहब। आज देख सकते हो कितना गजब का भीड़ है आज कॉलेज में देखने को मिल रहा है। और क्या ही बताओ गाइस, देख सकते हो इधर भी कितना भीड़ है और इधर भी कितना है। जैसे गाइस मैं बता दूं, कॉन्ट्रोल लाइन में क्रासिन का जिस तरह से लाइन लगाते हैं ना, उस तरह का लाइन लग चुका है ऊपर में, क्योंकि आज की सिक्स सेमेस्टर का किसका जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है मुझे लगता है। और अभी मतलब जो इंटर वगैरह जो दिए हैं उन लोगों का एडमिशन भी चालू हो गया है, और क्योंकि आज उसका फॉर्म भी दे रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर चालान का कितना बड़ा लाइन लग चुका है, लगता है कि राशन दुकान का लाइन। बच्चे लोग देख सकते हो इधर भी काफ़ी भयानक भीड़ है, क्योंकि इधर जो काउंटर वगैरह है, मतलब इधर कागज वगैरह मतलब जमा करने के लिए, जमा मतलब हर चीज़ बनाने के लिए जमा करना पड़ता है, जो कि इंटर वगैरह के लिए होता है, पार्ट वन सब सबके लिए होता है जमा करने के लिए। और गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से गजब का भीड़ है भाई साहब इधर भी, मतलब उतना भीड़ नहीं है, भीड़ के मतलब है लॉकडाउन में। और इधर हम लोगों का क्लास होता है आर्ट्स का, जो कि देख रहे इधर रूम जो कि लोग बहुत बैठे हैं उधर से, पूरी लंबाई वाला है इधर तक। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर हम आए हैं अभी प्रिंट आउट करवाने के लिए कंप्यूटर सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के कुछ प्रिंट आउट नहीं करवाएंगे तो जमा नहीं हो सकता, तो प्रिंट आउट करा लेते हैं तो मिलते हैं सीधा। और गाइस अभी हम जा रहे हैं सीसी करने के लिए और आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ का एसी बाथरूम। तो देख सकते हो कुछ इधर से जाते हैं रास्ता वहाँ पर है, और जो कि आप लोग को देख रहे सामने ही लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से होकर जाते हैं अपना एसी बाथरूम। और देख सकते हो गाइस ये है हमारा लाइब्रेरी, और इधर है बाथरूम, एसी वाला बाथरूम। तो लगता है काफ़ी लाटा हो चुका है, मतलब झाड़ी वगैरह हो चुका है, क्योंकि बहुत दिन से कॉलेज वगैरह बंद है तो साफ़ सफाई भी चल रहा है। और देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग करते हैं सीसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एसी वाला सीसी है, यहाँ पर एसी की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस देख सकते। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर कॉलेज प्रशासन की ओर से सफाई वगैरह चल रहा है, क्योंकि बहुत दिन से कॉलेज बंद था तो मतलब झाड़ी वगैरह बहुत ही, पेड़ पौधे जो प्राकृतिक से उगते हैं वो उग के मतलब भर गया था। सो लेस यहाँ पर पानी थोड़ा सा हाथ ले रहे थे, क्योंकि सीसी करने के लिए गया था ना इसलिए। और भाई साहब यहाँ तो पानी खत्म हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं पानी, यहाँ पर तो जरूर पानी है क्योंकि ये नया नया बना है। तो लेस्ट लोग पानी मुँह धो लेते हैं और उसके बाद जाएंगे अपने पीजी पर। तो देख सकते हो यह पीजी ब्लॉक, तो आप लोग को दिखाते हैं पीजी ब्लॉक के अंदर जाके कुछ पीजी ब्लॉक का मतलब नज़ारा, क्या क्या होता है, क्लास वगैरह हो रहा है, क्लास कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइस देख सकते हो इधर है कुछ काउंटर और इधर वगैरह कुछ रूम। तो जाते हैं कुछ और आप लोग को दिखाते हैं क्या जमा, शायद इधर कुछ मतलब असाइनमेंट वगैरह जमा हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर टूटा फूटा बेंच नहीं, टूटा फूटा नहीं है, अच्छा ही बेंच है, मतलब इधर उसको जमा करके रखा गया है अभी तक, मतलब अच्छे तरह से कॉलेज चालू नहीं हुआ है। और गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लैट में, क्योंकि ऊपर वाले फ्लैट में भी रूम है और इधर उधर कुछ काम होता है, जो कि बंगाली वगैरह कुछ कुछ रूम होता है, ओवर क्लास वगैरह होता है। तो जाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं उस तरह के नज़ारा कुछ इधर का। देख सकते हो ये है हम लोग आ चुके हैं दो नंबर फ्लैट पर, और दिखाते हैं आप लोगों को गली वगैरह कुछ, घुसेंगे तो नहीं मतलब। और देख सकते हो कुछ इस तरह से इधर वगैरह होता है। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, मतलब अगर वीडियो बना रहे देखेंगे तो कुछ डांट वगैरह पड़ सकता है, तो इसलिए हम आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते हैं। तो लेस्ट, अरे भाई साहब मस्त व्यू गाइस, देख सकते हो क्या व्यू है यहाँ से, क्या व्यू, ऑसम प्लेस गाइस। मतलब दो नंबर फ्लैट से आप लोग देखेंगे तो गजब दिखता है भाई साहब,
मुझे देखकर तो बड़ा ही सुकून मिल गया। जो हम चढ़े ना सीढ़ियों से, उसका मतलब देख के सुकून मिल गया। और यहाँ पर मेरा चाचा कर रहे हैं कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं कि कहते हैं कि बहुत। और बस से लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अच्छा लगे तो। और गाइस देख सो आज कुछ मैंने आज नया हेयर स्टाइल किया है, क्योंकि मैंने आज अपने बालों को खड़ा नहीं किया है। सो कुछ आज आप दिखाएंगे आपको कॉलेज वीडियो, तो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और गाइस देख सकते हो ये हमारे क्लास, जो कि यहाँ पर कुछ क्लास वगैरह नहीं हुआ है, तो वैसे ही कुछ लोग हैं यहाँ पर फॉर्म वगैरह भर रहे हैं कुछ काम है। तो गाइस हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। और गाइस अभी चलते हैं बाहर की ओर, काम हो चुका है कॉलेज का, तो चलते हैं अभी बस स्टैंड। तो लेट्स गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से भीड़ अभी भी कमने का नाम नहीं ले रहा है, भीड़ अभी भी बहुत भयानक है। और काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं कॉलेज में, काफ़ी भीड़ है। घर से कॉलेज से हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं और कब आएंगे, तो आना तो ज़रूर है क्योंकि अभी भी बहुत काम बाकी है। तो लेट्स गाइस देख सकते हो यहाँ पर बेच रहे हैं कैश चाट, कैसे कहें तो फुचका वगैरह बेच रहे हैं, तो खुद में खा रहे हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अभी बस स्टैंड पर, देख सकते हो बस खड़ा है, लेकिन बस काफ़ी भीड़ है तो इसमें से हम लोग नहीं जाएंगे। तो देख सो तब तक हम चलते हैं दिसम जाहिरगढ़ फुल डूंगरी पर, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक छोटा सा मतलब डूंगरी टाइप का है, उसे कहते हैं दिसम जाहिर। तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं वहाँ का कुछ नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर फोटोशूट काफ़ी अच्छा होता है, हमने सुने हैं, हमने भी किया है सुने नहीं है। तो चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं वहाँ का कुछ कुछ नज़ारा और यहाँ पर कुछ मतलब फ्लैट वगैरह। तो इस डूंगरी पर कौन कौन आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर हमसे पहले भी कोई आया है तो प्लीज़ ज़रूर बताना भाई आप लोग। ये नीचे चप्पल वगैरह रखा हुआ है, हमसे पहले कोई कोई आया है। सो लेट्स गाइस लोग भी यहाँ पर अपना जो चप्पल वगैरह बूट पहन के आए हैं, सब यहाँ पर खोल देते हैं, देख सकते हो ये मेरे चाचा, यहाँ पर हम लोग इसे खोल देते हैं। तो चलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं इस नज़ारे को, वीडियो में बने रहिए। और आज काफ़ी मज़ा वीडियो आएगा, क्योंकि आज का वीडियो तो काफ़ी हम लोग हादसे का वीडियो मैंने बहुत दिखाया है आप लोग को रास्ता वगैरह, लेकिन आज कुछ ऐसे ऐसे जगह दिखा रहे हैं आप लोगों को जो देखकर काफी अच्छा लगेगा, कभी देखा नहीं होगा इस जगह, देख सकते। यहाँ पर कुछ सीजन में वगैरह पूजा वगैरह होता है, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरह से जगह है, इधर से मतलब ओपनिंग किया जाता है, इधर से ओपनिंग का जगह है, इधर से आप लोग ओपनिंग कर सकते हो, मतलब पूजा करने के लिए जाने के लिए इधर ओपनिंग का रास्ता है। और आप लोग को दिखाता हूँ कुछ इस तरह, चारों तरफ से आप लोग को दिखाता हूँ जगह कैसा है कैसा नहीं है, और अच्छा लगे तो आप लोग तो बता ही सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से, और इधर गाइस मेरे चाचा कुछ अपना पंथी दिखा रहा है, कुछ पता नहीं इसको क्या क्या दिख रहा है, मेरे को दिखा रहा है कि बोल रहा है कि इधर इधर दिखाओ। तो देख सकते हो मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, भयानक लोकेशन है, भयानक लोकेशन है, मैं देख कर मतलब यहाँ पर सुकून बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत ही हाइट पर है ये घाटशिला से। आप लोग को करीबन कितने दूरी पर है घाटशिला से, 50 मीटर दूरी पर है, और ये बहुत हाइट पर ही है, चढ़ने पर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है, उतना दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत से। तो हम लोग अभी चलते हैं, फिर निकल रहे हैं गेट से नीचे की ओर, और यहाँ पर हम लोग अभी अपना जो बूट वगैरह है इसे पहन लेते हैं, देख सकते हो इसे पहन लेते हैं और निकलते हैं सीधा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से इधर करने। गाइस वाटर व्यू गाइस देख सकते हो गाइस, इसका नेचर इतना अच्छा है कि क्या ही बताऊँ गाइस, इसका नेचर देख के बड़ा ही सुकून मिलता है। गाइस आइए और मज़ा लीजिए, वीडियो से कुछ मज़ा नहीं लगेगा, अगर मज़ा लेना है तो आइए इस लोकेशन पर, देखिए किस तरह से। फिर ऊपर चढ़ान चढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा थकान हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बैठा है चाचा और यहाँ पर हम बैठे हैं, और ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो कि हम लोग यहाँ पर आए थे मतलब डूंगरी के पहाड़ के ऊपर, यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं इसके जगह क्या नाम कहते हैं, इस जगह का नाम कहते हैं दिसम जाहिर कहते हैं इसको, दिसम जाहिर कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग चढ़े हैं और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा मतलब। अरे भाई साहब ये भी बस काफी भयानक भीड़ है, तो आप उनको इस बस में भी नहीं जाना है भाई साहब।
और बच्चे लोग आपुन यहाँ पर बैठकर काफी देर से थक चुका है, एक बार आसानी का नाम ही नहीं ले रहा, तो देखते हैं कब आते हैं बस और आपुन जाएगा घर और आप लोगों को भी दिखाएगा बस की कुछ नज़ारा घर। सो गाइस बस आ चुका है और हम जा रहे हैं अभी बस की और ऊपर चढ़ेंगे और गाइस घर निकलेंगे। और ये भाई साहब बस पे चढ़ने भी नहीं पा रहे हैं गाइस, क्या भीड़ है। तो गाइस देख सकते हो बस कितना गजब का भीड़ लगा है बस पे, और गाइस क्या ही बताऊं गाइस आप लोगों को। सो ये बच्चे लोग देख सकते हो अपुन कहां पर बैठा है, अपुन को नीचे जगह मिल गया बैठने के लिए, कुछ दरिया बिस्तर बिछाया है वहां पर बैठ गया अपुन, और चाचा लोग बैठे हैं सीट पर, कोई दिक्कत नहीं है, अपुन को आराम करने का जगह मिल गया, अपुन पूरा ठेंग फैला कर बैठ सकते। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलते हैं, जय हिंद बाय।